नमस्कार, मैं तरुण प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान की चुनावी यात्रा। हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं, घूम रहे हैं, लोगों का मिजाज जान रहे हैं। इस समय हम सहारनपुर में मौजूद हैं। सहारनपुर आते हैं तो एक शख्स की बहुत चर्चा होती है, एक नेता की बहुत चर्चा होती है। चर्चा होती है इमरान मसूद साहब की, हमारे साथ बैठे हैं आप। चर्चा कई वजहों से होती है, 2014 में एक बयान वायरल हुआ था उसकी वजह से भी होती है, लेकिन इस बार की चर्चा दूसरी वजह से है। चुनाव के प्लेयर हैं, चुनाव लड़ते आए हैं, लड़ाते भी आए हैं, लेकिन इस बार मैदान में उस तरह से नहीं है जिस तरह से इनके प्रशंसक इनको देखते हुए चले आए हैं। इसकी वजह क्या है, इस पर बात करेंगे। सपा, फिर कांग्रेस, सपा और फिर क्या बसपा में भी जाने की तैयारी थी, इस पर भी पूछेंगे। क्या कुछ चुनाव का प्लान चल रहा है, इस पर भी बात करेंगे। सर, शुक्रिया हिंदुस्तान को समय देने के लिए। एक तो जिस इमरान मसूद को सब जानते हैं, खासकर सहारनपुर में, चुनाव के प्लेयर हैं, चुनाव लड़ते आए हैं, चुनाव इस बार नहीं लड़ रहे हैं, टीस है क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, 2007 से पहले कभी असेंबली का इलेक्शन मेरे परिवार ने नहीं लड़ा, 74 और उसके बाद 2007, बीच में पार्लियामेंट के अंदर सब लड़ते रहे। तो चुनाव कोई इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं होता राजनीति के लिए कि आप सिर्फ चुनाव लड़कर ही राजनीति करेंगे। और इस बार मैंने पहले से ही मन बनाया हुआ था कि क्योंकि कई चुनाव को मुझे बिल्कुल लास्ट में घेर करके वो करते हैं, मैं चुनाव से थोड़ा दूर रहूंगा, चुनाव लड़ा करके लोगों को जिता कर भेजूंगा, मेरा पहले से ही मन था। एक और सवाल, जिन धर्म सिंह सैनी से आप दो बार हारे चुनाव, इस बार उनके लिए भी वोट मांगना पड़ रहा है, गठबंधन की मजबूरी हो गई है? नहीं नहीं, मांगना पड़ नहीं रहा है। धर्म सिंह चुनाव नहीं लड़ रहा है, चुनाव इमरान मसूद लड़ रहा है। धर्म सिंह मांगना पड़ नहीं रहा है कि आप कहें मांगना पड़ रहा है। मैं जो भी काम करता हूँ पूरे दिल से करता हूँ, पूरे मन के साथ लग करके करता हूँ। रात भी मैं 2:30 बजे वापस आया हूँ, तो मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैं कोई काम हल्के से करता हूँ। मैं जो काम करूँगा डंके की चोट पर करूँगा और बहुत दिल के साथ करूँगा। नकुड़ में चेहरा आप हैं कि धर्म सिंह सैनी? नहीं नहीं, धर्म सिंह सैनी चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन चुनाव इमरान ही लड़ रहा है, चुनाव इमरान ही लड़ रहा है, और मेरा सब वोट ट्रांसफर होगा। मैं नेता किस बात का हूँ, अगर नेता हूँ तो फिर मेरा वोट ट्रांसफर होना चाहिए ना। 90,000 धर्म सिंह को मिले, 90,000 मुझे मिले, एक भी गांव के अंदर धर्म सिंह सैनी किसी भी गांव के अंदर हारेंगे नहीं, इंशाल्लाह। आप लिख लीजिए मेरी बात। ये तो ठीक रहा ये सब चीज़ें। टिकट नहीं मिलने के बाद आप कुछ दिन शांत थे, खोजबीन चल रही थी, लखनऊ से लेकर दिल्ली तक एक खामा चर्चा थी कि कहाँ हैं इमरान मसूद, कहाँ चले गए थे आप, फिर आप अचानक एक दिन अखिलेश यादव के साथ आपकी तस्वीर आ जाती। नहीं नहीं, मैं टिकट अपने लिए तो मैंने मांगा ही नहीं था, लेकिन मैं चाहता था मसूद अख्तर साहब का टिकट हो जाए। मसूद अख्तर सिटिंग MLA हैं, मैं उनका टिकट चाहता था। कुछ परिस्थितियों ही नहीं मिला तो उसकी मुझे टीस तो नहीं कह सकते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था और मैं नाराज़ बिल्कुल नहीं था। ये किसने कहा मैं नाराज़ था? एक वीडियो वायरल हुआ, वो वीडियो हाफ वायरल हुआ, वो ना राजनीति से मतलब था ना चुनाव से मतलब था, वो एक झगड़े के अंदर था। और वो हमारी आगे जबान इस तरह की है, पीछे से कोई रिकॉर्ड कर लेगा अब लोग उसे कह देंगे इमरान तो ऐसी। अरे भाई, मेरे यहाँ की जबान ऐसी है तो जो लोग जबान बोलते हैं उसी जबान में तो जवाब दूंगा मैं। मेरे यहाँ तो गाली गलौज बहुत होती है, बताओ, मैं तो करके ही रखूँगा ना। अपने मेरे साथियों के साथ मोहब्बत इसी तरह की है, तो उसे वो कर दिया, उसको उसके साथ जोड़ दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। और हम पूरी तरीके से, हमारी पूरी टीम पूरी तरीके से चुनाव के अंदर लगी हुई है। आप जब लखनऊ गए टिकट घोषणा के बाद, अखिलेश यादव जी से क्या बातचीत हुई थी आपकी? मेरी कोई बातचीत ही नहीं है। अखिलेश भैया ने मुझसे पूछा कहाँ तुम नाराज़ हो गए, मैंने कहा बिल्कुल भी नहीं, कि आपसे क्यों नाराज़ होऊंगा मैं, तो कहने लगे ये सारा, मैंने कहा ये सब उन्हें बता दिया, मैंने कहा ये सब कुछ लोगों की साजिश है, कुछ लोगों की साजिश है जो हमारी पार्टी में हमारे साथ रहकर ही करने की कोशिश करते हैं, ये सब और कुछ भी नहीं है। इसके अलावा ना मैं नाराज़ हूँ, मैं चुनाव लड़ाऊंगा, आपका जो आदेश है उसका पालन करता। एक चीज़ और है सहारनपुर में, कि हम कल से घूम रहे हैं, एक और चर्चा है कि इमरान साहब बसपा में चले गए होते लेकिन सांसद जी ने वहाँ अड़चन डाल दी थी। देखिए, सांसद जी बेचारे राजनीतिक आदमी नहीं है, उन्हें अपना मीट की फैक्ट्री चलानी, उन्हें सबकी चमचागिरी करनी है, वो क्या अड़चन डालेंगे, बेचारे वो अड़चन डालने वाले आदमी नहीं है, उन्हें तो सबकी चमचागिरी करनी है, वो कोई भी हो वो क्या अड़चन डालेंगे। बहुजन समाज पार्टी के लिए मैं फिट ही आदमी नहीं हूँ, बहुजन समाज पार्टी मेरे लिए है ही नहीं, मैं उसके लिए सोच ही नहीं सकता। जाना तो बहुत दूर की बात है, मैं सोच भी नहीं सकता उस पार्टी में कभी जाने का, क्योंकि उस जो सिस्टम बहुजन समाज पार्टी का है वो सिस्टम मेरे गले से नहीं उतर सकता, और उस सिस्टम के बिना उसमें कुछ होता नहीं, तो इसलिए उस पार्टी के जाने का तो मतलब ही नहीं है। उत्तर प्रदेश में मैं पिछले 4 महीने से बोल रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी के बिना लड़ाई लड़ना संभव नहीं है,
मैं खुलकर के बोल रहा हूँ और आप ये सवाल कर रहे हैं कि मैं भोजन में चला गया होता, तो मतलब ये इससे बड़ा हास्यपद कोई सवाल ही नहीं हो सकता है। नहीं, ये चर्चा है यहाँ की बस चर्चा थी कि इमरान साहब जा सकते हैं बसपा में, उनकी ये चर्चा यहाँ के लोकल लोगों में। लेकिन इमरान साहब इसलिए नहीं गए क्योंकि यहाँ जो यहाँ के सिटिंग MP हैं उन्होंने वो उनको चाहते नहीं थे कि वो आ जाएं, क्योंकि उनको भी अपनी राजनीति का डर था। देखिए MP साहब की, मैंने आपको कहा कि कल को समाजवादी की सरकार आ गई तो MP साहब सारे समाजवादियों की चमचागिरी करेंगे, क्योंकि MP साहब को अपनी फैक्ट्री चलानी है। वो राजनीतिक आदमी नहीं है, वो राजनीतिक आदमी नहीं है। वो किसी के लिए ना अड़चन बन सकते हैं और ना किसी के लिए सपोर्ट बन सकते हैं। वो ना अड़चन बन सकते हैं, वो किसी का ना नुकसान कर सकते हैं ना फायदा कर सकते हैं, दोनों नहीं कर सकते। तो उसके लिए आपको ये चर्चा जो है ये बहुत ही फजूल बात है। मतलब मैं जो जानते हैं यहाँ पर हमारे MP साहब को, उन्हें पता है, सीधे सच्चे आदमी बेचारे को कुछ पता तो है नहीं। अच्छा एक चीज़ ये बताइए, कहा जाता था कि गांधी परिवार से आपकी बहुत पटती थी, एक्सेस था पूरा 10 जनपद में, प्रियंका गांधी से आपकी डायरेक्ट बात होती थी। फिर क्या हुआ कि आप नाराज या क्यों छोड़ दिया आपने पार्टी, जब सब कुछ आपके हिसाब से लोग टिकट भी साथ देने को तैयार थे? नहीं नहीं नहीं, मुझे कांग्रेस ने बहुत दिया। देखिए मैं कमजोर हूँगा अगर मैं ये कहूँ कि मुझे कांग्रेस ने नहीं दिया, मुझे कांग्रेस ने बहुत दिया। लेकिन योगी साहब ने इतना प्रताड़ित उत्तर प्रदेश को कर दिया कि मेरी मोहब्बत जो है उसकी नफरत के आगे हार गई। मेरी कांग्रेस से जो मोहब्बत है वो योगी साहब की जो नफरत है उसके आगे हार गई, और उत्तर प्रदेश की लड़ाई बिल्कुल सीधे सीधे, और उस लड़ाई के अंदर मैं अखिलेश जी के साथ हूँ। क्या आपको लगता है कांग्रेस यहाँ वो फैक्टर नहीं है? नहीं नहीं, कांग्रेस कहीं है ही नहीं। मैंने ये बात प्रियंका जी को बोली थी कि कांग्रेस कहीं नहीं है। उनको सलाह नहीं दिया कि आप कुछ रणनीति में बदलाव करिए, जिस तरह से सपा आगे चल रही है उस तरह से कुछ सोचें? देखिए वो बहुत मेहनत की उन्होंने और मेहनती भी हैं, लेकिन ज़रूरी तो नहीं कि मेहनत का फल मिले, ये तो ईश्वर के हाथ में है। हालात इस तरह के ईश्वर ने बना दिए कि लड़ाई तो सीधी सीधी समाजवादी पार्टी के साथ हो गई, तो हम कहीं हैं थे ही नहीं वहाँ कांग्रेस में, तो हमारे पास कोई रास्ता नहीं था। आपने योगी आदित्यनाथ का जिक्र किया, उनका एक भाषण का एक क्लिप बहुत वायरल हो रहा है। उन्होंने एक नेता के लिए, समाजवादी पार्टी के नेता के लिए कहा कि हम मई और जून में भी इसको शिमला बना देते हैं। वो कहते हैं कि हमने इस पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गुंडागर्दी सहित पूरे उत्तर प्रदेश की चर्चा करते हमने गुंडागर्दी खत्म कर दी। आपकी इस पर क्या टिप्पणी हो? देखिए योगी जी जिस तरह की जबान बोलते हैं वो मुख्यमंत्री के पद पर रहने वाले व्यक्ति की जबान हो ही नहीं सकती। मुख्यमंत्री का मतलब है प्रदेश के 17 करोड़ लोगों का मुख्यमंत्री। आप प्रदेश के अंदर रहने वाले लोगों को इंगित कर करके, उनकी जाति और धर्म के साथ इंगित कर करके नफरत पैदा करते हो। आपके इनकाउंटर की लिस्ट के अंदर जाति और धर्म दिखाई देता है, आपकी बुलडोजर की लिस्ट के अंदर जाति और धर्म दिखाई देता है। विशेष जाति और विशेष धर्म के लोगों को टारगेट कर करके आप बोलने का काम करते हो, तो ये भाषा किसी अच्छे मुख्यमंत्री की कतई तौर पर नहीं हो सकती। क्योंकि आपने उनके भाषण का जिक्र किया, एक और भाषण, हालांकि मैं उस पर आना नहीं चाहता था, लेकिन वो 2014 का वो भाषण आपका बहुत वायरल होता है, उसमें आपने बहुत कुछ कहा भी है। लेकिन क्या इस तरह के जो जब भाषण आते हैं तो आपकी प्रतिक्रिया क्या थी जब आपने पहली बार सुना, और क्या उसको लेकर प्रतिक्रिया? लेकिन ना तो वो मेरा भाषण था, मैंने फिर आपको कहा ना तो वो मेरा भाषण था, ना उसमें माइक था, ना उसके अंदर जनसभा थी। मैं बैठे हुए खड़े हुए ऐसे बोल रहा था, मेरे यहाँ की बोली खड़ी है, मेरे यहाँ आम बोलचाल के अंदर बाप बेटे को भी कह देता 3.5 अखी काट दूंगा। तो मैं इस बात को आप कैसे उसको रिलेट कर सकते हो? ये हमारे यहाँ की आम बोलचाल की भाषा है, और वो आम बोलचाल की भाषा में बोला गया एक वाक्य था। उसके बाद भी हमारे अंदर, चूँकि हम गांधीवादी लोग हैं, हम गौडसेवादी नहीं, हम गांधीवादी लोग हैं, मैंने 1000 बार कोई चैनल ऐसा नहीं बचा जिसमें माफ़ी ना मांगी हो। बीजेपी के लोगों में इतनी नैतिकता नहीं है कि वो जो हमें रोज़ गाली देते हैं उसके बाद एक शब्द भी वो शर्मिंदा होने का बात करें। हमसे हमेशा सवाल करेंगे, और सारे पत्रकार सवाल करेंगे, आप उनसे सवाल नहीं करोगे कि वो किस कदर गंदी नफरत की जबान बोलते हैं, वो किस कदर? मैंने तो एक व्यक्ति के लिए बोल दिए थे वो शब्द, मैंने धर्म के लिए नहीं बोले थे, मैंने किसी विशेष उसके लिए नहीं बोले थे, एक व्यक्ति के लिए, और आप पूरे धर्म के लिए बोलते हो, उसके बाद भी आप उनसे सवाल नहीं करते, ना शर्मिंदा होते, मुझसे बार बार सवाल करते हो। सवाल हिंदुस्तान सबसे करता है। एक चीज़ और इमरान साहब की, कि आप जो सातों सहारनपुर तक ही सीमित रहेंगे कि आप पहले दूसरे चरण के चुनाव निपटाने के बाद आगे भी जाएंगे? पार्टी भेजेगी तो जाऊंगा भाई, मैं इतना बड़ा नेता हूं, कार्यकर्ता हूं, छोटा सा यहाँ सहारनपुर देख लूं पहले, अपना इसे ठीक कर लूं अपने मंडल को, उसके बाद देखूंगा बाहर। सरकार मान लीजिए अगर बन जाती है सपा की, तो आपकी भूमिका क्या होगी, किस रूप में आप देखना चाहेंगे खुद को, पार्टी क्या देगी? देखिए वो तो एक बहुत पॉलिटिशियन का सधा हुआ जवाब, आप किस रूप में देखना चाहेंगे?
देखिए, हमारा सबसे बड़ा रूप होगा कि हम अगर सरकार बन जाए तो ईमानदारी के साथ हम अपनी छवि सरकार की जो लोग बनाने का काम कर रहे हैं सबसे पहले उसको तोड़ने का काम करेंगे। समाजवादी सरकार गरीबों की सरकार हो, समाजवादी सरकार किसानों की सरकार हो, समाजवादी सरकार प्रदेश में रहने वाले सभी जाति सभी धर्म और सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाली सरकार हो। तो हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद थे इमरान मसूद साहब, बड़े खुलकर बोले, 2014 के उस वायरल वीडियो पर भी बोले आप, और इसके अलावा सपा और बसपा को लेकर जो चर्चाएं चल रही है उस पर भी एकदम स्पष्ट कर दिया कि बसपा में न जाने की सोच रहे थे, न आगे जाने की कोई तैयारी है। देखिए, बहुजन समाज पार्टी का जो सिस्टम है ना, अब उसको मैं बोलना नहीं चाहता, आप भी समझ रहे हो, मैं भी समझ रहा हूँ, वो सिस्टम नहीं वो सिस्टम जो है, देखिए मैं गरीब आदमी हूँ, मैं कोई सरमाएदार नहीं हूँ। बहुजन समाज पार्टी के सिस्टम के लिए बहुत सारी चीज़ें चाहिए, वो जो सूटकेस वहाँ चाहिए वो मेरे पास है नहीं, तो मैं कैसे सोच सकता हूँ यार। मैं कोई बहुत बड़ा सरमाएदार नहीं हूँ, छोटा सा काश्तकार हूँ, इतना मेरे आमदनी नहीं है कि मैं उस लेवल के ऊपर जाने की सोच सकूँ जहाँ जो वो चाहते हैं। तो कह रहे हैं कि मेरे पास वो सब नहीं है जो सब बसपा को चाहिए, खैर, लेकिन इमरान मसूद के पास एक वोट तो है जो सपा को चाहिए। अब वो वोट जो दावा कर रहे हैं कि ट्रांसफ़र हो करवा ले जाएंगे, ये करवा पाते हैं या नहीं, ये 10 मार्च को चुनावी नतीजे बताएंगे। सर, आपने हिंदुस्तान के लिए समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान की चुनावी यात्रा। नमस्कार।